बिजनौर जिले के थानों में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। फरियादी थानों में अपनी अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे। डीएम रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह पर पहले ही हलदौर पहुंच थाने में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने थाना प्रभारी को समस्याओं व शिकायतों को गंभीरता से लेकर त्वरित निस्तारण कराने का निर्देश दिया। बाद में डीएम पुलिस अधीक्षक अधिकारियों ने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। डीएम रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह हलदौर थाना पहुंचकर प्रार्थना पत्रों के बारे में जानकारी ली। मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके बाद डीएम व एसपी ने महिला हेल्प डेस्क की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ितों के साथ हर हाल में न्याय दिलाने का थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया। थाना परिसर बैरक व मेस का निरीक्षण किया। एसपी ने थाना परिसर में जमा पुरानी गाड़ियों को नीलामी, पशु तस्करों पर गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध करने, थाने के टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार करने व रात्रि गश्त में तेजी लाने का निर्देश दिया। चोरी की घटनाओं का खुलासा करने का निर्देश भी दिया। सभी बीट के सिपाहियों को प्रतिदिन बीट पर होने वाले गतिविधि की भी जानकारी ली। इस मौके पर तहसीलदार, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, लेखपाल आदि उपस्थित रहे। इसके बाद अकेले पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह हिमपुर दीपा थाना परिसर में समाधान दिवस में समस्याओं को सुना। एसपी ने उपस्थित लेखपालों को क्रय केंद्रों पर पहुंचने और किसानों का धान खरीद सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया। केंद्र प्रभारी को आनाकानी करने पर तत्काल रिपोर्ट देने का आदेश दिया। डीएम और एसपी ने अपराध रजिस्टर, मालखाना, असलहों के रखरखाव का भी अवलोकन किया, निर्माणाधीन बैरक का जायजा लिया और एसपी ने शराबियों के आए दिन मारपीट कर की जानकारी होने पर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। एईजेड न्यूज के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट, बिजनौर।